सभी समाज स्वागत कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, कुछ उत्पाती तत्व थे पिछले वर्ष, हम तो प्रतिवर्ष यात्रा में रहते हैं, लेकिन पिछले वर्ष ही ऐसा दुखद घटनाएं घटी। और मेरे हिसाब से हमें तो कहीं पर भी पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि उनका जो ये प्रयास है वो अच्छा है। पहुंची है और मैं आपको बता दूं जिसका सिंगार में समापन किया जाएगा, उसे पहले की तस्वीर दिखा रहा हूं। घीड़ा मोड़ पे अभी मैं पहुंचा हूं, यहां पर इस्लामुद्दीन और जुबैर खान जी जो हैं उन्होंने उनका स्वागत किया है। आज हमारे साथ अभी महाराज जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उसी के साथ आप देख रहे हैं अभी आपको मेवात की दिखाई जा रही है। जय बोलेगी आनंद आ रहा है जो कि मेवात में आज ये सुबह यात्रा जो निकल रही है, जल अभिषेक यात्रा है, ब्रजमंडल यात्रा का लोग स्वागत करें, कहां कहां पर स्वागत किया गया और किन किन समाजों के द्वारा स्वागत किया गया? सभी समाज स्वागत कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, कुछ उत्पाती तत्व थे पिछले वर्ष, हम तो प्रतिवर्ष यात्रा में रहते हैं, लेकिन पिछले वर्ष ही ऐसा दुखद घटनाएं घटी। और मेरे हिसाब से हमें तो कहीं पर भी पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि उनका जो ये प्रयास है वो अच्छा है जी। और यात्रा तो सफल उस दिन मानी जाएगी जैसे पहले पूर्ववत हम बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के यात्रा करते आए हैं, उसी प्रकार से यात्रा के साथ समाज के लोगों को, सभी लोगों के लिए क्या एक संदेश आपकी ओर से रहेगा? समाज के लोगों के लिए केवल एक यही है कि जिस प्रकार से पूर्ववत यात्राएं होती रही हैं वैसे ही यात्रा चलती रहे, यही समाज के लिए संदेश है। ऐसे सिक्योरिटी में यात्रा करना सुखद नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा यात्रा निकालने के लिए शोभा यात्रा तो मेवात अक्सर कर जैसे पिछले बार की तस्वीरें जो रही बहुत डरावनी तस्वीरें थी, अब की बार के पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयारियां थी, फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ अभी आपको लग रहा है? ऐसा है कि समझदार लोग ना कोई झगड़ा करते हैं ना कोई करते, पहले भी नहीं किया और अब भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ पिछली बार कुछ बदमाश लोगों ने, कुछ उग्रवादी लोगों ने ऐसा जो वातावरण बढ़ाया वो बहुत दुखद था। और अब इस बार कोई ऐसा नहीं है, सारे हमारे भाईचारे में है और सब हमारे मेव भाइयों ने भी इस यात्रा का स्वागत किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे आशा है कि जैसे अभी महाराज जी कह रहे थे कि अगली साल ये यात्रा बगैर खौफ के, बगैर सिक्योरिटी के और ऐसे ही जैसे हम निकलते पहले निकलते हैं। लग रहा है सर जिस तरह से आपकी बार मान सम्मान लोगों ने किया, आगे बढ़कर आए हैं, मुस्लिम समाज के लोग जगह जगह सम्मान कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, तो इससे कि अगली बार जब निकालेंगे तो बिना सिक्योरिटी के निकालेंगे, बगैर सिक्योरिटी के निकालेंगे। और मुझे लग रहा है कि कोई वातावरण ठीक रहेगा, पहले भी ठीक रहता था और आगे भी ठीक रहेगा, ऐसी मुझे आशा है। और मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आज इस पर्व के लिए कि सबको सुखद हो, क्योंकि ये श्रावण का सोमवार है, श्रावण के सोमवार में शिवजी महाराज का पहला जलाभिषेक सब यात्रा ने किया है, हम सब करके आए हैं सुबह। बहुत बहुत सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये सुखद रहे सबके लिए। इसी कड़ी में मेरे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है और आजकल के जो ये यात्रा चल रही है उसको देख कर ये बड़ा मन प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। इस प्रकार से सभी समाज के लोगों ने जलाभिषेक ब्रजमंडल यात्रा का जो स्वागत किया है वो अपने आप में एक उदाहरण है। और ये जो हमारे आपस का जो भाईचारा है उसमें एक मिसाल पैदा की है, वो पहले भी हमारे यहाँ पर थी लेकिन पिछले साल कुछ छोटी कुछ लोगों ने जानबूझ करके कह सकते हैं या ना समझी में या राजनीति से प्रेरित होकर या इसका लाभ लेने के लिए जो इसमें विघन डाला था वो पिछली बार की बात को भूल करके, अतीत की बात को भूल करके आज हम देखते हैं कि बहुत अच्छा माहौल। लगभग माना जाए कि अभी समापन की ओर है, पूरी तरह से जो है वो सिंगार अभी पहुंचने वाली है यात्रा, तो उससे पहले पूरी तरह से यात्रा जो अभी संत लोग गए हैं इसके पीछे अभी कभी काफी संख्या में जो लोग हैं बसेज वगैरह कुछ फिरोजपुर झिरका में है, कुछ बीच में रास्ते में है, तो वो आ रही है, तो अभी समापन सिंगार मंदिर पे होगा, फिर अपने अपने स्थान से सब लोग जैसे जैसे जिनका है। क्या वजह मानते हैं कि पिछले साल की जिस तरह की जो बैक की तस्वीरें रही लास्ट ईयर में बहुत भयानक तस्वीरें थी,
क्या उसकी वजह रही दोनों साइड से, दोनों धर्मों के लोगों अतीत में ना जाए तो अच्छा है कि जो हमारा अभी हो रहा है अच्छा है और भविष्य में और इससे अच्छा होगा, आगे भी अच्छा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बता दूं, महाराज जी से बात की, उनका कहना था कि ये यात्रा जो है वो लगातार इसी तरह चलते रहे। वहीं चेयरमैन और अध्यक्ष से बात करी तो उन सभी ने बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया कि मेवात जो भाईचारे के लिए जाना जाता है वो हमेशा भाईचारे में ही रहे, और मेवात के लोग जो हैं इस भाईचारे को, यानी कि जो मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता की, उसको देते रहें। लेकिन जो पिछले साल की जो तस्वीरें थी वो अतीत जो है वो बहुत ही गलत था और गलत हो गया था, तो उसको अब छोड़ा जाए। तो आगे बढ़ते रहें, आप हमारे साथ देखते रहें। कैमरा पर्सन इस्माइल मनान के साथ मैं आपका अपना जो कोली, DTV न्यूज़ से धन्यवाद।